तो पहले हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। जो वोल्टेज होता है ये इलेक्ट्रिकल का एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज, और इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बैटरी ले रहा हूँ, एक बैटरी का सिंबल है ये, जो बड़ा बड़ा डंडा आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और जो छोटा वाला डंडा आप देख रहे हो इसे हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, यानी कि यह हो गया हमारा पॉजिटिव, यह हो गया नेगेटिव। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। या फिर मान लीजिए यहाँ पर मैं दो टंकी ले रहा हूँ, यहाँ पर दो टंकी है और दोनों में कुछ और यहाँ से यहाँ तक मैं एक पाइप जोड़ देता हूँ, तो दोनों टंकी में जो वाटर का लेवल है वो बराबर सेम ही, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इस टंकी से पानी ना तो इधर जाएगा और ना ही इस टंकी से पानी इधर आएगा। अगर मैं किसी एक टंकी का पानी कम कर दूं तो अभी क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों में कोई डिफरेंस आ जाता है, तो अभी क्या होगा, इस टंकी से पानी इस टंकी में फ्लो होगा, ठीक है। तो इसी तरह बैटरी में भी एक हायर पोटेंशियल होता है, एक लोअर पोटेंशियल होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इन इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, हमें कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए मैं इस एचपी साइड को ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जानना होगा तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी जितना आएगा उतना हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मान लो ये हो गया आपका 5 वोल्ट और ये हो गया आपका 0, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस 0 इक्वल टू, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया 5 वोल्ट। अगर यहाँ पर है 2 वोल्ट तो यहाँ पर क्या होगा, 5 माइनस 2 3 वोल्ट। अगर यहाँ पर -2 है तो क्या होगा, 5 माइनस ऑफ -2 तो कितना होगा, 7 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसी तरह एक पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं करंट के बारे में, करंट क्या है और ये कैसे और कहाँ पर फ्लो करते हैं। दोस्तों जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता हो उसे हम बोलते हैं करंट। तो करंट कहाँ पर फ्लो करता है, जहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ पर ज़्यादा होगा, एक कंडक्टिंग मेटेरियल पर, जहाँ पर करंट जो है इजीली फ्लो कर सकता है। तो जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या होता है, तो चलिए पहले वो हम जान लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो भी वस्तु है वो सब एटम से बने हुए होते हैं, और एटम के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर कुछ रिंग्स होते हैं, और रिंग्स में क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो रिंग में कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने यहाँ पर दो दो ही आपको शो किया है, लेकिन ये दो से ज़्यादा होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जो फास्ट ऑर्बिट है इसका, तो इसमें से इसका जो डिस्टेंस है वो जितना होगा, तो जो सेकेंड रिंग है उसका डिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यह होता है नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इसके ओर अट्रैक्ट होगा,
क्योंकि मैं हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, मतलब कि इनके अंदर जो अट्रैक्शन का जो पावर है, जो एनर्जी है, वो ज़्यादा होगा। अगर हम सेकंड रिंग में जाए तो इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो अट्रैक्शन का जो पावर है वो कम हो जाएगा। अगर हम थर्ड बैंड में जाए तो इसके अंदर भी जो अट्रैक्शन का जो पावर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह लास्ट में एक ऑर्बिट आएगा जहाँ पर इसका जो अट्रैक्शन का जो पावर होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा या फिर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में ज़्यादा परिमाण में होता है उसे हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो अगर मैं कॉपर का वायर लेता हूँ तो क्या हमें पता है कॉपर जो है वो गुड कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अगर मैं 1 ग्राम कॉपर लेता हूँ, 1 ग्राम कॉपर लेता हूँ, तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर होता है 6.023 × 10³ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम 1 ग्राम कॉपर लेते हैं तो उसके अंदर हमें 6.023 × 10³ का इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 1 ग्राम से ज़्यादा लेते हैं तो हमें और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कंडक्टर लिया हुआ है, और कंडक्टर अंदर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 शो कर रहा हूँ समझाने के लिए। और इस इलेक्ट्रॉन होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अपने मनचाहे डायरेक्शन में ये मूव करते होते हैं, अपने मनचाहे डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पर करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही डायरेक्शन में कब मूव करेंगे, जब यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स आएगा जो कि इन्हें एक ही डायरेक्शन में मूव करवा सके, तभी जाके ये एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव, ये हो गया इसका नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि वायर के इस साइड में आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस साइड में आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जो यहाँ पर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन है इन सब का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन एक डायरेक्शन में होता है तो एक अपोजिट फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर को मूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस साइड में होता है तो करंट का मूवमेंट उसके ऑपोजिट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है तो उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं इस कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होता है, तो वो मैं कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं करंट कैसे फ्लो होता है और कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से निकलता है, इधर से बैटरी के पॉजिटिव से होते हुए, और ये क्या लेके जाता है, कितना एनर्जी लेके जाता है, ईवी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोड होता है इसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है, इसका जो एनर्जी है वो लोड खा जाता है, जिसके वजह से इसका जो ईवी इसका जो एनर्जी था वो हो जाता है जीरो। तो ये जैसे इस साइड आ जाता है तो इसका एनर्जी जो है वो जीरो हो जाता है। तब ये क्या करता है, फिर आता है बैटरी के पास और इसको फिर से एनर्जी मांगता है, तो बैटरी क्या करता है, फिर से उसको एनर्जी देता है, ले भाई तो फिर से अपना काम कर। तो ये फिर जाता है, यहाँ पर आता है ईवी लेकर के, फिर इस साइड में आते ही इसका जो ईवी है वो धीरे 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 डिक्रीज होते होते और ख़त्म हो जाता है। फिर आता है बैटरी के पास, फिर बोलता है भाई फिर दिया था, ख़त्म हो गया, फिर दे। तो ये फिर आता है ईवी लेकर के। उसी तरह क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसी तरह ईवी को लेकर के ट्रांसफ़र करवाते हैं, मतलब कि एनर्जी को वे ट्रांसफ़र करवाते हैं।
दोस्तों ये जो बैटरी है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज कैरियर है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चार्ज को अपने साथ भर के लेके जाते हैं और लेकर के कहाँ डालते हैं, जहाँ पर लोड उसे खाता है, लोड को देते हैं। तो जो बैटरी है ये क्या करता है, ये एनर्जी देता है, ये चार्ज नहीं देता, ये चार्ज हमको नहीं देता है, ये क्या देता है, ये एनर्जी देता है, ठीक है। बैटरी एक तरह का एनर्जी देता है हमें। मुझे लगता है आपको करंट के बारे में कुछ नॉलेज आ गया होगा कि कैसे करंट फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। दोस्तों करंट के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है, कैसे काम करता है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो अभी इसके बारे में और एक पॉइंट जानते हैं जो कि हमें आगे सर्किट बनाने में काम आएगा और कुछ इंटरव्यू वगैरह में या फिर कुछ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में भी आता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर करंट आ रहा है 3 एम्पियर और यहाँ से भी करंट आ रहा है 1 एम्पियर, तो इधर से कितना करंट जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 + 1 इक्वल टू हो गया कितना 4 एम्पियर। तो अगर मान लीजिए इस साइड से करंट जा रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है 3 एम्पियर और इधर से जा रहा है 1 एम्पियर, तो 3 - 1 कितना रह गया 2, तो इधर से जाएगा कितना 2। मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों इसका डायरेक्शन है इस तरफ है और इसका डायरेक्शन है नीचे की ओर है, मतलब कि ये निकल रहा है और ये यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि ये ऐड हो रहा है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है। तो क्या होता है 3 - 1 इक्वल टू अभी यहाँ पर बचा कितना 2। अगर यही डायरेक्शन ऊपर की ओर होता तो क्या होता है, ये 1 जो है ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो करंट जो है ये अपने डायरेक्शन पर भी मैटर करता है, लेकिन हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते, ठीक है दोस्तों, हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते और स्केलर भी नहीं बोल सकते। हम इसको ना तो वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं और ना ही स्केलर बोल सकते हैं, हम बोलेंगे ये होता है टेंसर क्वांटिटी। तो करंट क्या होता है, टेंसर क्वांटिटी, ना तो स्केलर होता है और ना तो वेक्टर होता है। और हाँ, अगर आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें अगर टेंसर का ऑप्शन नहीं हो या फिर वहां पर आपको मिलता है क्या स्केलर और वेक्टर, तो इन दोनों में से आप स्केलर को ही टिक कीजिए, क्योंकि करंट स्केलर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास टेंसर है तो आप टेंसर ही टिक कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टेंसर का ऑप्शन दिया हुआ है तो वहां पर स्केलर और वेक्टर नहीं होगा, वहां पर ही होगा टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो करंट जो है इसे हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अगर इसके बारे में पूरी तरह जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। अगर इसके ऊपर वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों करंट के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया और वोल्टेज के बारे में भी जाना, तो अभी हम बात करते हैं पावर के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं पावर। पावर आपने सुना ही होगा शक्तिमान में, जो डॉक्टर जेकल होता है वो हमेशा बोलता है पावर। तो अभी हम बात करते हैं पावर के बारे में। तो ये पावर क्या होता है दोस्तों, हम सब जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं उसके लिए कुछ पावर चाहिए, ठीक है। और हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमें कुछ एनर्जी खर्च करते हैं, और जो एनर्जी हम यूज करते हैं एक काम को करने के लिए उसे हम बोलते हैं पावर। मतलब अगर आपके घर में एक पंखा चल रहा हो तो वो एक वर्क हो रहा है, वो काम कर रहा है, फैन जो है वो घूम रहा है और आपको हवा दे रहा है, तो ये वो पंखा क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, मतलब कि वो एक काम कर रहा है और उस काम को करने के लिए वो एक एनर्जी यूज करता है, और जो एनर्जी वो कंज्यूम करता है उससे हम बोलते हैं पावर। या फिर आपका लाइट हो या फिर फैन हो या फिर एसी हो टीवी हो जो भी कुछ हो, वो सारे के सारे एक एनर्जी कंज्यूम करते हैं और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं पावर। और इन डीसी केस में पावर जो होता है ये वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर जो होता है वो वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं पावर का फॉर्मूला जो है V इंटू I।
ठीक है, और इसका जो यूनिट क्या होगा, पावर का वाट, पावर का यूनिट होता है वाट, और वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, और हम इसे लिखते हैं आई। तो दोस्तों ये जो तीन मैंने बताया आपको, वोल्टेज, करंट और पावर, ये तीन आपको आगे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और डिजाइन करने में बहुत ही काम आएगा, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखे हो। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना होगा P इक्वल टू V इन टू I। अगर आपको पावर निकालना होगा तो आपको वोल्टेज इंटू करेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आपको वोल्टेज निकालना हो या फिर करंट निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला को याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ ट्राइंगल मेथड। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ तीन हिस्से में बांट लिया है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया मेरा पावर, और ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। तो अगर मुझे पावर का फॉर्मूला चाहिए तो मैं लिखता हूँ क्या P, तो अभी नीचे क्या हुआ V एंड I, तो इसको हम लिखेंगे V इंटू I। अगर मुझे वोल्टेज निकालना हो तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, P/I, P/I। अगर मुझे करंट निकालना हो क्या क्या हम लिख सकते हैं, I इक्वल टू P/B। अगर आपको फॉर्मूला याद रखने में कुछ दिक्कत होता है तो आप ये ट्रायंगुलर मेथड यूज कर सकते हो, जिसे आप यूज करके वोल्टेज, करंट एंड पावर का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो।